चलो यहां से तुरंत निकलते हैं एस्परेंसा, यही हमारे पास जिंदा रहने का आखिरी रास्ता बचा है। कोई भी यहां से जिंदा नहीं निकल पाया है। जो इस जेल से भागने की कोशिश करता है उसका यही हाल होता है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? भरोसा रखो, मेरा वादा है कि हम दोनों यहां से जिंदा जाएंगे, लेकिन मैं इस जगह से अकेला बाहर नहीं जाऊंगा एस्परेंसा। मैं तुम्हारे बिना जीने की नहीं सोच सकता। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती जूलियन। जो तुमने कहा था वो सब झूठ था, है ना? मैंने सच कहा था। मैं इस बारे में पहले दिन से सोच रहा हूं कि मुझे पाइप्स कैसे फिक्स करनी है। शुरुआत में ये एक सपने की तरह था, बस एक छोटी सी उम्मीद जिसके सहारे मैंने यहां पर अपने दिन गुजारे हैं स्प्रेंसा। पर मुझे एहसास हुआ कि यह सपना सच हो सकता है। हम अपनी आने वाली जिंदगी यहां हरगिज नहीं गुजारेंगे। तुम्हें अपनी बेटी से मिलने का मन नहीं हो रहा है? तुम्हारा प्लान क्या है? तुम और मैं एक ही तरफ तभी होंगे जब तुम लड़कों के बाल काटने जाओगी, और वही हमारे लिए सबसे अच्छा मौका होगा। हाँ, मैं सोमवार को वहां जाने वाली हूँ, 2 हफ्तों बाद। बस वही समय होगा जब हम जेल तोड़कर यहाँ से भाग सकते हैं। काश हम ऐसा अभी कर पाते। अब इससे पहले कि वो कमीने तुम्हें फिर से चोट पहुंचाने की हिम्मत करें। अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? उसे तो मैं संभाल लूंगी, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, समझे? तुम सिर्फ अपने प्लान पर ध्यान दो। इस रविवार मैं तुमसे अपने कॉन्जुगल विजिट के लिए पूछूंगा, तुम्हें बाकी सारी डिटेल्स बता दूंगा, पर प्लान सोमवार का होगा। ठीक है, शुरू से बताता हूँ। प्लान यह है कि हमें जेल की पाइप्स को बंद करना है ताकि मैं उस दिन पाइप्स को ठीक करने का काम कर सकूं। पर उसी बहाने मैं उन्हें पूरी तरह से तोड़ दूंगा। बस उस पाइप को कैसे तोड़ना है मुझे यही सोचना है। मैं उस वक्त कैदियों के बाल काटने वाली जगह पर मिलूंगी, और मैं वहां सिर्फ 2 घंटों के लिए रुकूंगी, 10 से 12 तक, ठीक है? वो सब करने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जिनसे मैं एक मैनुअल होममेड बॉम्ब बना सकूं। और उससे मैं उनके इलेक्ट्रिसिटी रूम के अंदर धमाका कर दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी रूम के अंदर ही क्यों? क्योंकि ये जगह हॉलवे से काफी दूरी पर है, ये हमें सीधा सप्लायर्स के पार्किंग लॉट तक पहुंचा देगी। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है इसे पुलिस 2 अलग अलग हिस्सों में चली जाएगी। 12 बजे कैदियों को डाइनिंग रूम में ले जाते हैं, उसी समय यह धमाका होगा। चलो चलो चलो, बाहर निकलो, जल्दी जल्दी। चलो भाई, चलो चलो, जल्दी निकलो। अगर उन्होंने तुम्हें उस दिन से पहले होममेड बॉम्ब्स के साथ पकड़ लिया तो तुम मारे जाओगे। नहीं स्पेरेंजा, उन्हें छुपाने के लिए मेरे पास बहुत सारी जगह है। मुझे बस एक ही बात की फिक्र है, और वो है टाइम।
मैं नहीं जानता बॉम्ब को एक्टिव कैसे करूंगा, मेंस बाथरूम में कैसे पहुंचाऊंगा, तुम पहुंचोगी या नहीं? हाँ मैं वहाँ टाइम से पहुंच जाऊंगी। सबके बाल काटने के बाद मैं बाथरूम में जाती हूँ कचरा फेंकने के लिए। वॉलरेट पहले मेरी मदद किया करता था पर अब वो लंच के लिए जल्दी चला जाता है, तो मैं आसानी से काम कर पाऊंगी। ये काम दोपहर के समय ही होना चाहिए। एक और बात एस्परेंजा। क्या? किसी को इस बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, मारीबेल को भी नहीं। बहुत बढ़िया, आखिरकार तुमने बहुत अच्छे से काम कर ही दिया। आखिरकार, शुक्रिया गुटियरेज। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम बदलना मत। ओके, बाद में मिलते हैं। और जूलियन तुम आ गए क्या? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। गुटेरिस, गुटेरिस। क्या हुआ सीरा? मैंने देखा कि तुम्हारी कैदियों के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो रही है, तुम्हारी ट्रांसफर की बात करनी होगी। ऐसी बात क्यों कर रहे हो सीरा? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें उस प्लम्बर से बात करते हुए देखा। क्या तुम भूल गए कि उसी ने मेरे हाथ तोड़े थे? और उसके बदले में सीरा, जूलियाना को सजा भी मिल चुकी है। तो क्या हुआ? क्या उससे सब कुछ खत्म हो गया? उसे पता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है, मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। गुटेरिस, मुझे ये बताओ, उस प्लम्बर की कॉन्जुगल विजिट में उसके साथ कौन थी? एस्परेंजा गोमेज थी। तुम्हारी बात पूरी हुई तो मैं जा सकता हूँ? ठीक है, जाओ। तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुम्हारी डेट इतनी बुरी थी? जब से जूलियन आया है मैं बहुत खुश हूँ। एक्सक्यूज मी, ये तो अच्छा है। मैं तो मजाक कर रही थी। चलो छोड़ो ये बात। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे कोई बुरी खबर देने वाली हो। जूलियन जब से आया है मैं बहुत खुश हूँ। कम ऑन, थोड़ा खुश होकर बताओ, कुछ नया बताओ। कैसी रही तुम्हारी डेट? मैं थक गई हूँ। ओ पता है, प्लम्बर ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही थकाया है। क्या कह रही हो तुम ये सब? बताओ ना मुझे, सब कुछ बताओ। क्या तुम एक सीक्रेट रख सकती हो? खैर हाँ हाँ, बोलो क्या है। मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया है। ओ रहने दो, ये कोई सीक्रेट नहीं है। पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं सच में तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारी आंखों की ये चमक उस इंसान के लिए है जो तुम्हें डिजर्व करता है। साफ साफ कहूँ तो बंद करो तुम। अरे क्या बंद कर, हमें शादी के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मैं ही तुम्हारी मेड ऑफ ऑनर बनूंगी। क्या कह रही हो? मुझे लगता है तुम्हें जाकर कुछ देर फ्री करना चाहिए और फिर सो जाना चाहिए। नहीं, बहुत थकी हुई लग रही है। नहीं नहीं, बताओ मुझे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो वेडिंग ड्रेस के बारे में बातें करते हैं। मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। अरे मैं बहुत थक गई, मुझे तंग मत करो। तुम मुझे कुछ भी नहीं बताती हो, मेरा मतलब है शायद तुम भी ना। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझसे मिलने मत आना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? छोड़ देना चाहिए। जूलियन, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, लगता है मैं हार जाऊंगी। हम दोनों जानते हैं कि तुम जो कर सकती थी तुमने किया पैटी। क्या तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है? क्या? क्या तुम और कमिला रिलेशनशिप में हो? क्या तुम सच में मुझसे ऐसा पूछ रही हो पैटी? हाँ मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्योंकि सब कुछ इतना उलझा हुआ इस है। केस के लिए खुद को परेशान करना बंद करो, ये मौत की खाई है, ये बात जितनी जल्दी बांध लो अच्छा होगा। क्या तुम इस खाई में फंसे रहकर खुश हो? मैं गवाह ढूंढ लूंगा। और तुम ये यहाँ बंद रहकर कैसे करोगे? मैं उसे ढूंढ निकालूंगा जिसने मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं ये करके रहूंगा। मैं ये कर
मैं 2 हफ्तों बाद फिर से आऊंगी। ध्यान से शेर आ रहा है। तू उससे क्या बात कर रहा है? हाँ, क्या हुआ? चलो बाहर निकालो इसे। क्या है? चलो निकालो इसे, ले चलो। छोड़ो, मैंने कहा ले चलो। सुनो मेरी बात, चलो चलो, सुनो, चलो, छोड़ो, पीछे हटो। छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें इससे क्या मतलब? चलो जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है? कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? छोड़ो, चलो। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऐसा। तो तुम जूलियन के बारे में सोचकर सो नहीं पा रही हो ना? हाँ, मैं उसके बारे में ही सोच रही हूँ। वो इंसान तुम्हें पागल कर देगा। तुम लोग बाहर जाओ। मेरे पास तेरे लिए खबर है जूलियाना, एस्पेरेंजा मेरी ही होगी, समझा तू? क्योंकि मैं उसे मजबूर कर दूंगा, वो मुझसे भीख मांगेगी, समझा तू? कभी नहीं। अरे वो मेरी ही होगी। कभी नहीं। पैट्रिशिया, मैं बिजी हूँ। मारियाना, तुम जूलियन के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? उसे बेटे से मिलने क्यों नहीं देती? बाद में बात करेंगे ना। क्या मुझे जाने के लिए कह रही हो? तुम भी तो हमेशा यहाँ आ जाती हो। नहीं, मुझे तुम्हारा रवैया समझ में नहीं आ रहा। प्लीज पैट्रिशिया, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें बताया था, जेल में बच्चों को 40 दिन के बाद मिलने की इजाजत मिलती है स्पेशल परमिशन लेकर, और तुम्हारे बेटे को पापा से मिलने का हक है। सुनो, मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, समझी तुम? उसके लिए यही सही होगा कि वो जान जाए कि उससे प्यार करने वाला एक बाप भी है जो अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त काट रहा है। तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि असल में क्या हुआ था। तो क्या मैं उसे सब बता दूं कि उसका बाप खूनी है और उसे उससे जेल में मिलने जाना चाहिए? तुम जानती हो मैं किन हालातों से गुजर रही हूं? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अकेली हूं, नौकरी नहीं कर सकती, और आज उन्होंने मेरे बेटे को स्कूल बस से निकाल दिया क्योंकि मैंने फीस नहीं भरी। और इस बात के लिए तुम जूलियन को सजा दे रही हो? जेल में ऐसे गुनाह की सजा काटना जो तुमने किया ही नहीं, ये सच में नरक है। तुम्हें नहीं लगता कि कोई गवाह सामने नहीं आ रहा? क्योंकि कोई गवाह है ही नहीं। वो सामने नहीं आ रहा, उसकी वजह यह है कि कोई नहीं चाहता कि वो सामने आए। जैसे कि कौन? वो इंसान जिसने जूलियन को इस सब में फंसाया है। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज समझने की कोशिश करो। बहुत हो गया। मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ सिर्फ एक नाम की पत्नी बनकर रहना तुम्हारे लिए बड़ी बात है और तुम डिवोर्स लेना चाहती हो, ये मुझे पता है। पर इससे एक अलग बात भी ये है कि तुम नहीं चाहती तुम्हारा बेटा अपने बाप से जाकर मिले। मॉम, आप मुझे डैड से क्यों नहीं मिलने देती? ओ पैट्रिशिया, जाओ यहाँ से। सामी बेटा, मैंने कहा था ना दरवाजा बंद नहीं करना है, हम बात करते हैं बेटा। दरवाजा खोलो सामी, मेरी बात सुनो बेटा, दरवाजा खोलो। सामी बेटा प्लीज। शांत हो जाओ, तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए खुद को कमरे में बंद करके नहीं रखेगा। तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते, वो बिल्कुल अपने डैड पर गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम पैटी को घर में क्यों नहीं आने देती हो, कोई खास वजह? वो कभी भी ये बात नहीं मानेगी कि जूलियन ने खून किया। हाँ, पर उसने बिल्कुल सही कहा। सैमुअल और जूलियन के बीच हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। सैमी अपने डैड को बहुत याद करता है, और मुझे नहीं लगता कि सच्चाई छिपाने के लिए वो कभी भी मुझे माफ कर पाएगा। मारी, मारी, तुम्हें नहीं लगता कि हालात और बेहतर होंगे अगर तुम किसी अच्छी जगह पर रहोगी तो, और तुम्हारा बेटा वो भी तुम्हें समझ सकेगा? क्या मतलब है तुम्हारा?
तुम जूलियन से मिलने नहीं जाती हो ये सच है, लेकिन उसके साथ अपने रिश्ते को तुमने अभी तक ऑफिशियली खत्म नहीं किया है। हाँ मैं जानती हूँ, अब मुझे डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा लेने चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, तुम्हें पेपर्स लेकर उसके पास जाना ही चाहिए और यही इस वक्त की दरकार है। इस चैप्टर को यहाँ पर क्लोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे बच्चे की लाइफ है, और इसके लिए तुम्हें अपने पास्ट को भूलना ही पड़ेगा। एक बार सोचो। देखो मारी, मेरी तरफ देखो, तुम्हारे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं मारी, खुद के बारे में सोचो। वादा करो अपने बारे में सोचोगी। चलो उस तरफ चलो, कम फास्ट चलो ना। हाँ बिल्कुल नहीं, चलो चलते रहो चलते रहो। तू भी आगे चल, चलते रहो। जुलियाने को सेरा ने बहुत मारा। सुमरा ने बताया कि उसे अलग सेल में रखा हुआ है, उसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन अभी वह जिंदा है। ये तो बस अभी शुरुआत है। सियरा ने उसे वार्निंग दी थी और वो जूलियन को मार कर ही छोड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि... इससे पहले क्या? इससे पहले कि वो उसे मार दे। ओ ठीक है, तो मुझे बताओ कि हमें क्या करना होगा। मैंने सब कुछ सोच लिया है, तुम घबराओ मत। ओके मैं भी आती हूँ। गार्ब्रीटा, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मुझे सियरा से मिलना है। गेट खोलो। कोई आ रहा है। गुएरा, बाहर जा। मुझे तुमसे किसी एक कॉन्जुगल सेल में मिलना चाहिए था एस्पेरेंसा। दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हारी हो सकती हूँ? ओह नहीं, मैं जानता हूँ तुम उस पलम्बर के पीछे पागल हो, और देखो जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया तुम मेरे पास चली आई। मैं तुम्हें जुबान देती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। फालतू बात मत करो, मेरे सामने तुम कोई शर्त रखने की हिम्मत भी मत करना। 12 दिनों में हमारी कॉन्जुगल विजिट है, मुझे उससे बात करने दो, क्योंकि मुझे उसे समझाना है कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है और मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ, पर अब तुम उसे कभी नहीं मारोगे। अच्छा ठीक है, जाओ, क्योंकि मेरा दिल बहुत ही बड़ा है। मैं तुम्हें उसके साथ एक कॉन्जुगल विजिट की परमिशन देता हूँ। जाओ मिल लो उससे, उसके जख्मों पर मरहम लगाओ, लेकिन उससे हमारे बारे में बात जरूर करना, और उसके बाद उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, समझी? हमें जाना चाहिए गार्ब्रीटा। तुम पागल हो गई हो, तुम ये उस इंसान के लिए कर रही हो जो इसके लायक ही नहीं है। जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तुम कुछ नहीं जानती। तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? उसके हैरेसमेंट की कंप्लेंट करो। हाँ क्या हुआ, तुम स्कैंडल क्यों नहीं शुरू करती? सुनो तो, तुम फिक्र मत करो,
मैंने सियरा से बात कर ली है, अब वो कभी जूलियन को हाथ तक नहीं लगाएगा। हाँ, और तुम्हें उसकी बात पर यकीन भी हो गया है ना, क्योंकि सियरा के शब्द तो पत्थर की लकीर है। तुमने सोच भी कैसे? वो सब दूंगी जो उसे चाहिए। क्या मतलब है तुम सब कुछ दोगी? यहाँ तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस इंसान के साथ रहूंगी? अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। मैं जूलियन के साथ भागने वाली हूँ अगली कॉन्जुगल विजिट के बाद। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? हम कई महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। सॉरी, मैंने पहले तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे जाने के बाद तुम फंस जाओ, क्योंकि तुम यहीं रहने वाली हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अब तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी तरह तुम्हें मेल विंग तक ले जाकर रहूंगी। क्या बोल रही हो तुम? मेरे बारे में मत सोचो, तुम्हें हो क्या गया है? वैसे भी मैम, मेरी सजा 14 महीनों में पूरी हो जाएगी और तुम्हें 11 साल काटने पड़ेंगे, तो तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं तो यहाँ से जल्दी ही बाहर निकल जाऊंगी। तुम्हारा प्लान सही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ क्या करना है। कोई बात नहीं दोस्त, कभी ना कभी तो फोन उठाएगी ही। लगाओ फोन, करो, कोशिश करो। रिकार्डो, फोन उठाओगे प्लीज? सैमुअल, मैरियाना, मुझे मेरे बेटे से बात करने दो, बेशक एक मिनट के लिए ही सही। मेरे शूज यहाँ पर हैं। मैरियाना, किसका फोन था? बैंक से था। तुम्हें क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या? मैं तो वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती, और मेरे लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पैसों के बारे में बात नहीं करते हैं। आज का लंच मेरी तरफ से, तुम चलोगी?